हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपको बताऊंगा स्टैटिक जीके के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको विश्व के प्रमुख देश, उसके करेंसी, उसकी राजधानी और उसकी मुद्राएं। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा देश के बारे में और उसकी राजधानी क्या है और उसकी मुद्राएं क्या है, ये सब बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला जो है भारत, भारत की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। और इसकी मुद्राएं क्या है? तो इसकी मुद्रा रुपी है। अगर नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। और बात करें करेंसी का, तो इसका भी रुपी है। ठीक है, क्या है? रुपी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेपाल, नेपाल का क्या होता है? काठमांडू, काठमांडू, काठमांडू। और अगर करेंसी का बात करें तो नेपाली रुपी है, नेपाली रुपी। नेक्स्ट है फ्रेंड श्रीलंका, श्रीलंका क्या होता है कैपिटल? श्रीलंका कैपिटल होता है कोलंबो, कोलंबो। और बात करें इसकी करेंसी की, तो श्रीलंकन रुपी होती है इसकी करेंसी, श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट है बांग्लादेश, बांग्लादेश का कैपिटल होता है फ्रेंड्स ढाका, ढाका। और इसकी अगर करेंसी की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी करेंसी होती है टका, टका करेंसी होती है। चौथा नंबर जो है भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्पू है, थिम्पू। और अगर करेंसी का बात करें तो भूटानी, भूटानी नगलत्रम है। ठीक है, अगला जो है अफगानिस्तान फ्रेंड्स, अफगानिस्तान का कैपिटल होता है, अफगानिस्तान का काबुल होता है कैपिटल। और अगर करेंसी का बात करें तो अफगानी करेंसी होता है। अफगानी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्या है मंगोलिया? तो फ्रेंड्स मंगोलिया क्या होता है? मंगोलिया का उलान बटोर होता है, उलान बटोर। और अगर बात करें इसकी करेंसी की फ्रेंड्स, तो इसकी करेंसी है तुग्रिक, तुग्रिक करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जापान का, तो जापान का कैपिटल क्या होता है? टोक्यो, टोक्यो। अगर इसी करेंसी की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी करेंसी येन होती है, येन। नेक्स्ट है ताइवान, ताइवान का होता है ताइपे, ताइपे। और इसका ये बात करें करेंसी का बात करें फ्रेंड्स, तो इसका डॉलर होता है करेंसी, डॉलर। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, 11वां नंबर पे दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया क्या होता है? सियोल होता है, सियोल। और इसकी करेंसी क्या होती है? वॉन, युआन। 12 नंबर क्या है? हांगकांग, हांगकांग का क्या होता है फ्रेंड्स? तो हांगकांग का अगर बात करें तो हांगकांग का कैपिटल राजधानी विक्टोरिया होती है। और करेंसी की बात करें तो करेंसी डॉलर होता है, तो हांगकांग की राजधानी हो गया विक्टोरिया, विक्टोरिया। और करेंसी क्या होती है? डॉलर। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? फिलीपींस, फिलीपींस का बात करें फ्रेंड्स, तो फिलीपींस का मनीला ऐसा राजधानी हो गया। और करेंसी अगर बात करें तो पेसो हो गया, मनीला राजधानी हो गया, करेंसी क्या हो गया? पेसो। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड? सिंगापुर, सिंगापुर का क्या होता है? सिंगापुर का होता है सिंगापुर ही होता है। ठीक है, और अगर इसका बात करें मुद्राएं का, तो सिंगापुरी डॉलर होता है। सिंगापुरी डॉलर। नेक्स्ट है क्या? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कैपिटल क्या है फ्रेंड? जकार्ता होता है। और अगर बात करें यहां की करेंसी की, तो करेंसी यहां भी रुपया होता है, रुपी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ईरान, ईरान का कैपिटल है तेहरान। और फ्रेंड्स यहां की करेंसी है रियाल, करेंसी क्या है? रियाल, रियाल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? इराक, इराक का क्या है फ्रेंड्स? इराक का होता है बगदाद कैपिटल है। और अगर यहां की करेंसी की बात करें तो इराकी दिनार है, बगदाद कैपिटल हो गया और यहां की करेंसी हो गया इराकी दिनार, इराकी दिनार। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 18 नंबर पे। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, कंट्री है, देश है तुर्की, तुर्की का राजधानी हो गया अंकारा। और यहां की करेंसी लीरा है,
कैपिटल क्या हो गया अंकारा, और करेंसी क्या है फ्रेंड्स लीरा, लीरा यहाँ की क्या हो गई करेंसी हो गई, ठीक है। अगला क्या है 19 नंबर है, देश है कतर, कतर का कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, तो कतर का कैपिटल दोहा है और यहाँ की करेंसी रियाल है, दोहा करेंसी क्या हो गई रियाल, रियाल ओके। चलिए चलते हैं अगले पे, मिस्र, मिस्र जिसे हम इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट का कैपिटल अगर बात करें तो कैरो होता है, सी ए आई आर ओ कैरो, और यहाँ की अगर करेंसी की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ की करेंसी मिस्र की करेंसी होती है आपकी पाउंड होती है, इजिप्टियन पाउंड होता है पाउंड। 21 नंबर देश का बात करते हैं, 21 नंबर देश क्या है लीबिया है, लीबिया का अगर राजधानी बात करें तो त्रिपोली, और इसकी करेंसी की बात करें फ्रेंड्स तो दिनार होता है, तो राजधानी क्या हो गई त्रिपोली और करेंसी दिनार, क्या हो गया फ्रेंड्स इसका करेंसी दिनार हो गया। नेक्स्ट क्या है 22 नंबर है मोरक्को, मोरक्को का कैपिटल होता है राजधानी होता है फ्रेंड्स रबात होता है, और अगर बात करें मुद्राएं का तो दरहम, रबात क्या हो गया इसकी राजधानी हो गई और दरहम क्या हो गया इसका मुद्राएं हो गया करेंसी हो गया। 23 नंबर क्या है फ्रेंड्स 23 नंबर है सोमालिया, सोमालिया का होता है कैपिटल मोगादिस एंड और इसका करेंसी हो गया सीलिंग हो गया, क्या हो गया मोगादिस, मोगादिस, और अगर मुद्राएं का बात करें तो क्या हो गया सीलिंग, सीलिंग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है मॉरिशस, मॉरिशस है, मॉरिशस का क्या होता है फ्रेंड्स, तो मॉरिशस का होता है पोर्ट लुइस होता है, क्या होता है पोर्ट लुइस ओके, और इसकी अगर करेंसी की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी करेंसी रुपये होता है रुपी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, फ्रांस है, फ्रांस का कैपिटल क्या होता है फ्रेंड्स, तो फ्रांस का कैपिटल पेरिस होता है और इसकी करेंसी यूरो है, पेरिस और करेंसी क्या हो गया यूरो। नेक्स्ट है स्पेन, स्पेन का बात करें फ्रेंड्स तो स्पेन का क्या होता है, स्पेन का कैपिटल हो गया मैड्रिड, मैड्रिड और इसकी करेंसी क्या हो गई तो करेंसी यूरो हो गया। नेक्स्ट है इटली, इटली का कैपिटल क्या होता है, इटली का कैपिटल रोम होता है और इसकी करेंसी यूरो होती है, रोम करेंसी हो गई आपकी इटली का यूरो, यूरो। अगला क्या है रूस, रसिया, रसिया क्या होता है कैपिटल, रसिया कैपिटल होता है फ्रेंड्स मॉस्को होता है और करेंसी रूबल होता है, मॉस्को करेंसी क्या हो गया रूबल। 29 नंबर क्वेश्चन है जर्मनी, जर्मनी का क्या होता है इसका कैपिटल होता है बर्लिन और इसकी करेंसी जो है यूरो है, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन हो गया और करेंसी यूरो, यूरो। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया कैपिटल क्या होता है फ्रेंड्स, तो ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना होता है और इसकी करेंसी यूरो होती है, वियना करेंसी यूरो। चलिए चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसकी क्या होती है वाशिंगटन होता है, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अब मुद्रा का अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसका मुद्रा होता है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कनाडा, कनाडा का कैपिटल क्या होता है फ्रेंड्स, तो ओटावा, ओटावा और इसका मुद्रा क्या है, इसका भी करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट है पेरू, पेरू देश का जो कैपिटल होता है वो लीमा होता है, क्या होता है लीमा, और करेंसी की अगर बात करें तो नए वो सोल होता है, क्या होता है नए वो सोल, वो सोल इसका क्या है करेंसी है मुद्राएं हैं। अगला क्या है ब्राजील, ब्राजील क्या होता है, ब्राजील का कैपिटल ब्राजीलिया हो गया और इसकी करेंसी ब्राजीली रियल हो गया, ब्राजीलिया और करेंसी की बात करें तो ब्राजीली, ब्राजीली रियल, रियल। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का क्या होता है न्यूक होता है इसका कैपिटल और करेंसी की बात करें तो क्रोन होता है, एन डब्ल्यू के न्यूक, और करेंसी की अगर बात करें तो करेंसी होता है क्रोन, क्रोन। नेक्स्ट क्या है क्यूबा, 36 नंबर है फ्रेंड्स क्यूबा, क्यूबा का कैपिटल हो जाएगा हवाना और अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी पेसो, हवाना करेंसी क्या हो गया पीसो, मुद्राएं पीसो हो गया, ठीक है। अगला क्या है वेटिकन सिटी, तो फ्रेंड्स वेटिकन सिटी का कैपिटल जो होता है वेटिकन सिटी ही होता है और इसकी करेंसी होती है यूरो, वेटिकन सिटी का कैपिटल वेटिकन सिटी ही हो गया,
और करेंसी यूरो हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जॉर्जिया। जॉर्जिया कैपिटल क्या है? तबिलिसी। क्या है? तबिलिसी। देखिए कैसे लिखा रहा है, तबिलिसी, ठीक है। और इसी करेंसी की बात करें फ्रेंड्स, तो रूबल इसी करेंसी होती है, रूबल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यूक्रेन। यूक्रेन का क्या होता है कैपिटल? यूक्रेन का कैपिटल कीव होता है, कीव। हिंदी में अगर देखें तो कीव इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। अगर इसकी करेंसी की बात करें तो करेंसी हो जाएगा हर्वीनिया। हर्वीनिया क्या हो गई? करेंसी हो गई। अगला क्या है? चेक गणराज्य, जिसे बोलते हैं चेक रिपब्लिक। इसका कैपिटल बात करें तो प्राग है। क्या पढ़ते हैं? प्राग। और करेंसी क्या है? तो करेंसी यहां की है कोरुना, कोरुना। तो फ्रेंड्स ये था विश्व के प्रमुख देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके स्टैटिक जीके में, एग्जाम में, खास करके एसएससी और रेलवे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।